वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और नई डिज़ाइन सीखेंगे क्रोचेट सॉक्स की, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हुक देखिए 1.75 mm, मेहंदी कलर है ये देखिए। अब पहले शुरुआत में नॉट लगा देते हैं पहली, इस तरह से। अब यहाँ पे चेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चेन। अब पहली वाली चेन से स्लिप स्टिच करेंगे इसे यहाँ, इस तरह से। ये धागा साथ में इस तरह पकड़ देंगे हम। अब यहाँ पे चेन 3 और डबल क्रोचेट बनाएंगे इस होल में से। इस तरह से टोटल 15 होने चाहिए, ये एक काउंट करेंगे हम साथ में, ठीक है। और टोटल 15 होने चाहिए, ये देखिए 15 हो गए। अब पहली वाली चेन से इसे स्लिप स्टिच करेंगे, 1, 2, 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच इस तरह। और फिर से चेन 3, इसी चेन में एक और बार डबल क्रोचेट, ये देखिए। और फिर आगे आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, और फिर उसके आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोचेट एक साथ, ठीक है। 2 डबल क्रोचेट हम एक साथ लेंगे यहाँ पे, और इसके आगे फिर से देखिए 2 एक साथ, और ये 2, फिर आगे वाले में 1। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। अब बराबर से यहाँ ये देखिए 2 एक साथ है, 1, 2, 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, ठीक है। अब फिर से चेन 3, और अब की बार देखिए आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, ये देखिए ये हो गए 4 डबल क्रोचेट हर एक चेन के ऊपर ऊपर, ठीक है। और पांचवें डबल क्रोचेट में हमें 2 एक साथ बनाने हैं, 2 एक साथ इस तरह। फिर से एक डबल क्रोचेट आगे 4 हर एक चेन के ऊपर, और पांचवा डबल क्रोचेट जो है वो 2 एक साथ है, ठीक है। तीन 4, 4, ठीक है। और ये 5, पांचवा एक साथ, 2 एक साथ। और फिर से हर एक चेन में 1, 1, 4 डबल क्रोचेट तक, और फिर पांचवे में 2 एक साथ। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से चेन 3, और जैसे नीचे वाला राउंड किया था बिल्कुल वैसे ही सेम है ये वाला भी, 4 डबल क्रोचेट और पांचवे डबल क्रोचेट में 2 एक साथ। इस तरह। और फिर से 4 डबल क्रोचेट, 2, 3, 4 और पांचवे में 2 एक साथ, ये देखिए इस तरह से वापस से बना देंगे ये। और फिर से तीसरी चेन से स्लिप स्टिच ऊपर, 1, 2, 3। अब 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे और छठे डबल क्रोचेट में 2 एक साथ लेंगे, ठीक है। 4, 5, देखिए 5 हो गए।
और ये छोटा डबल क्रोचेट हम दो एक साथ बनाएंगे और फिर से पांच डबल क्रोचेट तीन चार तीन चार पांच ठीक है और ये छठा दो एक साथ इस तरह से ये वाला कंप्लीट कर देंगे राउंड। ये देखिए ये इतना काफी होगा आगे वाला पोर्शन तो हम आगे शुरू करते हैं। अभी ये इतना काफी होगा देखिए 1 2 3 4 5 पांच लाइनें हैं। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं पर मुझे लगता है इतना ठीक होगा पर आप अपने साइज के हिसाब से करिएगा ताकि एकदम आपको फिट बैठे। चलिए आगे बनाते हैं। अभी ये यहाँ से अब हमें फिर से पीछे की तरफ डबल क्रोचेट बनाने हैं 1 2 3 और डबल क्रोचेट हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट। देखिए टोटल यहाँ तक आने चाहिए यहाँ तक ठीक है डबल क्रोचेट। ये पैर के नीचे वाला हिस्सा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये यहाँ पे हमें आगे वाले हिस्से में हमें बीच में यहाँ पे और यहाँ पे बराबर गैप चाहिए ताकि बराबर सेंटर में हम शेल बना सकें। तो उसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हमारा एक और डबल क्रोचेट बाकी है बराबर होनी चाहिए यहाँ और यहाँ की साइज़। आप चाहे छोटा बड़ा कैसे भी बनाएं और ये एक डबल क्रोचेट। अब देखिए अब हमें यहाँ पे लेने हैं चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9th वाली चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर डबल क्रोचेट इस बीच वाली चेन पे और शेल बनाएंगे। एक एक ही चेन में हमें बनाना है ठीक है दो और ये तीन और अब ऊपर लेनी है चेन 3 1 2 और ये 3 और फिर से इसी चेन में तीन और डबल क्रोचेट आएंगे 1 2 और ये 3। ये हो गया है शेल। अब फिर चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है और यहाँ देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से इस तरह से ये देखिए। अब फिर से हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं 1 2 3 और ये पूरे के पूरे डबल क्रोचेट बनाएंगे हम पीछे वाले पहले बना दीजिए सारे। यहाँ तक होने के बाद अब हमें यहाँ पे भी डबल क्रोचेट ही बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ठीक है। दोनों साइड बराबर ही रखिएगा कम ज़्यादा होंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा फिर।
तो अब देखिए यहाँ ये होने के बाद अब ये जो बीच में गैप है उसमें हमें फिर से शेल बनाना है। तो देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोचेट इस तरह, अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और फिर से इसी में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाने हैं जैसे हमने यहाँ बनाए थे बिल्कुल वैसे ही, दोनों साइड की डबल क्रोचेट एकदम बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा मत रखिएगा। 2 इस तरह से 7 लेके यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, सॉरी स्लिप स्टिच। अब देखिए अब फिर से चेन 3 और पीछे वाला राउंड सेम रिपीट करना है, डबल क्रोचेट हर एक चेन में। अब देखिए ये हो गया यहाँ तक, देखिए बराबर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फिर से इस डबल क्रोचेट सॉरी शेल के ऊपर शेल आएगा, 1 2 और ये 3, अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और फिर इसी शेल में और 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, अब फिर से चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह अब फिर से वही रिपीट करना है, डबल क्रोचेट और सेम जैसे यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाना है और ऊपर भी आगे सेम बनाना है। चेन 7 सेम है, शेल भी सेम है, बस इसी तरह से आप जितना बनाना चाहते हैं आगे मतलब पैर के बराबर आधे हिस्से तक आना चाहिए ये वाला राउंड, पूरा आधा आना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे गिन सकते हैं, ये जो है पट्टी ये 5 या 6 होनी चाहिए तब एकदम बराबर हो जाएगा बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आप छोटा रख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ा बना के तैयार कर देते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे बनाना है। सेम यही प्रोसेस है, चेन 7 ही लेनी है यहाँ पे, कोई अलग नहीं है, जैसे ये बनाया बिल्कुल वैसे ही ऊपर बनाना है, ठीक है। मेरा हो गया देखिए 3 और 3 6, ये 6 तक मैंने किया है और मैंने नाप भी लिया है, एक बार बराबर हो रहा है, आप भी अपने नाप से बनाइएगा। अब इतना हो जाने के बाद देखिए अब हमें यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये धागा लेना है वापस से, देखिए अब हमें पीछे की तरफ इसे लेना होगा, एक और ये वापस से इस तरह, ठीक है। अब फिर से चेन 3 और वापस से डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे अभी, ये देखिए इस तरह से। ये अब हम एडी के पास वाला पार्ट बना रहे हैं साइड से, तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ से लिया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 1 2 2 डबल क्रोचेट तक, यहाँ तक हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं, यहाँ से टोटल यहाँ तक, ये देखिए ये यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे 5 चेन है और यहाँ पे भी 5, ठीक है। अब फिर से हमें देखिए 1 2 3 चेन लेके फिर से इस तरह पलट के ये वाला राउंड वापस से करना है। ये हम पैर के नीचे वाला तला है तो ये थोड़ा सा बड़ा करना है और ये देखिए ये साइड से होगा, ठीक है, ये साइड से इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह और एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, इस तरह से हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। आप अपने साइज के हिसाब से डबल क्रोचेट बनाइए, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक और फिर यहाँ से फिर से उस तरफ और फिर इस तरफ से वापस से इस तरफ। तो इस तरह से आप अपने पैर के साइज के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। ये
ये यहाँ तक हो गया है मेरा। और ये देखिए, जब आप नापे एक बार पूरा पहन के नाप लीजिए, और पीछे एड़ी के पीछे और दो ये चेन आनी चाहिए, इतनी गैप रखनी है, ठीक है, एड़ी के पीछे इस तरह से, और दो चेन आ सके, ठीक है। ये साइड से अब चलिए लास्ट वाला ये दो बना देते हैं। और तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। डबल क्रोचेट, बीच में बराबर यहाँ पे हमें बनाने हैं सिंगल क्रोचेट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट बनाने हैं चार, ठीक है, एक हर एक चेन में एक एक, दो तीन और ये चार, ये देखिए बराबर है। अब फिर से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट, ये हो गया यहाँ पे। अब फिर से चेन थ्री, और फिर इसे पलट देंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ तक डबल क्रोचेट, इस तरह से डबल क्रोचेट बना देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक दो तीन चार, तो यहाँ पे एक और बाकी है डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोचेट सिंगल क्रोचेट बनाना है इस तरह, धागा निकालना नहीं है, ठीक है, आगे वाले में भी इस तरह ले लिया, और इसके आगे वाले में भी इसी तरह, और ये रहा चार चार हो गए। अब सब में से एक साथ धागा निकालेंगे इस तरह से। अब फिर से डबल क्रोचेट, ये यहाँ पे हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर सिर्फ लास्ट में जॉइन करना है, और साइड से एक बॉर्डर बनाएंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे। तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो ये देखिए ज्वाइन करने के लिए इस तरह से करेंगे, इस तरह, और इस तरह पकड़ के अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इसे इस तरह से, हर एक चेन में से एक एक, देखिए हर एक चेन में से एक बार सिंगल क्रोचेट, हर चेन में से एक एक, ठीक है, दोनों साइड से बराबर पकड़ के कीजिएगा,
कोई भी चेन छूटने ना पाए। ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से धागा कट करेंगे। ये बाद में हम यहाँ से जॉइन कर देंगे सही से। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है रेडी। अब हमें यहाँ पे एक बॉर्डर बनानी है, वो बना देते हैं पहले। ये देखिए पीछे से एकदम सही है इस तरह से। ठीक है, अब बॉर्डर बनानी है, वो बना देते हैं पहले। अभी नॉट लगाएंगे। यहीं से शुरू कर देंगे, यहाँ से इस तरह 1 2 3। ठीक है, और फिर से डबल क्रोचेट आगे वाली चेन में, सॉरी ये देखिए ये जो गैप है उसमें इस तरह 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से इसी में से निकालना है हमें। ठीक है, इसी में से इस तरह फिर से डबल क्रोचेट इस तरह 1 2 3, और फिर यहीं से साइड से वन टू थ्री इसी डबल क्रोचेट से, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ तक बना दीजिए, टोटल यहाँ तक। ठीक है, सेम यही प्रोसेस से यहाँ तक बनाना है। ये देखिए यहाँ पे भी हर एक चेन में हमें डबल क्रोचेट लेके चेन 3, और फिर इसी डबल क्रोचेट से हमें इस तरह फ्लावर, फिर से डबल क्रोचेट आगे वाली चेन में 1 2 3, यहीं से इस तरह कर देंगे 1 2 1 2 3। लास्ट वाला है 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें यहाँ पे लेना है। देखिए 1 2 3, 3 चेन्स लेके ये देखिए यहाँ से जो गैप है उसमें इस तरह से ले लिया। अब फिर से 1 2 3 चेन्स, यहाँ पे हम 2 चेन ले लेते हैं, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह, अब फिर से चेन 3, 1 2 3, हर एक चेन में इसे हम इस तरह करते जाएंगे 1 2 3, आगे वाली चेन 1 2 3, ये बीच में गैप है इसमें भी सिंगल क्रोचेट कर देंगे इसी तरह से 1 2 3, इसी में वापस से 1 2 3, इसी तरह हर एक चेन में हम इस तरह बनाते जाएंगे। और फिर से चेन 2, और फिर से डबल क्रोचेट, और ये वही सेम रिपीट कर रहा है हमें जैसे हमने उस साइड किया है बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए इस तरह से पूरी की पूरी बॉर्डर बना के हम तैयार कर देंगे। आप अगर बॉर्डर ना बनाए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके भी बताना कि कैसा लगा है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।